डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं तुरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो तुरई की सब्जी बहुत ही कॉमन सब्जी है, बट इसे बनाने का एक खास तरीका होता है। आज मैं वही तरीका आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप वीडियो में देखें, बहुत ही खास टिप्स और इंग्रेडिएंट के साथ। तो इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं तुरई की सब्जी बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाता है कि तुरई की सब्जी बहुत ही टेस्टी बने। तुरई की सब्जी बनाने से पहले मैं आपको एक स्पेशल टिप्स देना चाहूंगी। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुरई की सब्जी बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सब्जी कड़वी हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि तुरई एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर कोई तुरई जो होती है वो कड़वी निकल आती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। हम सीधा तुरई को छीलते हैं, छील के धोते हैं, धोने के बाद हम काट के सब्जी बना देते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना। मैंने इस तुरई को धो के अच्छे से छील के धो लिया है, धो के अब मैंने काटना है। लेकिन काटने से पहले हमने करना क्या है, मैंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट के फेंक दिया है। इतना सा टुकड़ा, बिल्कुल हल्का सा टुकड़ा लेंगे, इसे अपने मुंह में रखेंगे और इसे चबा के हम देख लेंगे कि ये तुरई कड़वी तो नहीं है। ये तुरई बिल्कुल ठीक है, इसे हम एक साइड पे रख देंगे। इसी तरह से हमने सारी तुरई में से एक इतना इतना पीस निकालना है और निकाल के इसको टेस्ट करना है। जो तुरई कड़वी होगी उसको आपने फेंक देना है। अगर वो तुरई आप बीच में डाल देते हो तो आपकी जितनी भी सब्जी है, चाहे आप 1 किलो बना रहे हो, चाहे आप 0.5 किलो बना रहे हो, चाहे आप 250 ग्राम बना रहे हो, जितनी भी बना रहे हो, थोड़ी सी भी अगर कड़वी तुरई बीच में चली जाती है, एक तुरई भी, तो आपकी सारी सब्जी कड़वी हो जाती है। तो ये बहुत ही खास टिप है जिसे ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत से लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती, कुछ लोगों को पता होगी भी, लेकिन जिनको नहीं पता वो इसे फॉलो जरूर करें। मेरी ये सारी तुरई जो है ठीक निकली है, तो ये सारी तुरई ठीक है। अब इसे मैं काट लूंगी। बहुत ही हेल्दी ये सब्जी होती है और इसे ढंग से बनाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी भी बनती है, पर बहुत लोग बनाते हैं उनकी अच्छी नहीं बनती। तो आज इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि तुरई की सब्जी को कैसे बनाया जाए कि ये सब्जी खाने का मन करे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कुकर में बना सकते हैं, बट मेरी क्वांटिटी कम है इसलिए मैं पैन में बना के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने इसे कुकर में बनाना है तो इसी प्रोसेस के साथ कुकर में भी बना सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 सीटी के अंदर ये बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि इसको बनाया किस में जाए, तेल में या घी में। तो मैं आपको यहाँ बताने जाऊंगी कि तुरई की सब्जी को स्पेशल देसी घी में बनाया जाए। बहुत ज्यादा नहीं मैं डालूंगी देसी घी, सिर्फ 2 चम्मच घी के अंदर बनाएंगे, बट देसी घी के अंदर इस सब्जी का टेस्ट जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर आपने कभी नहीं बनाई तो आप इसे बना के जरूर देखें। तेल को गर्म होने दें, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हल्का सा जीरे को फ्राई कर लें। जीरा हमारा भुना जा चुका है, आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। मैंने 1 प्याज लिया है, अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आप प्याज ज्यादा भी ले सकते हैं। प्याज को अच्छे से भून लें। प्याज हमारा भुना जा चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, मैंने 1 टमाटर लिया है, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक, साथ ही हम डाल देंगे धनिया पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाले। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच अपना दही। फ्लेम हमने लो कर दी है, दही को अच्छे से प्याज और टमाटर के मसाले के साथ भून लें, इससे फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मसाला जो है हमारा अच्छे से भुना जा चुका है और दही भी आप देख रहे हैं पानी जो है सूख चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तुरई, इसे अच्छे से कर लें मिक्स। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे पानी, ये हमने करीब 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी लिप्टमी सी ही अच्छी लगती है, सूखी अच्छी नहीं लगती। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे ढक के हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसी प्रोसेस के साथ इसे कुकर में बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसे रखे हुए हमें 7 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि तुरई की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे कटा हरा धनिया। दही और देसी घी के साथ सब्जी का टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और ये दोनों चीजें कोशिश करें जरूर डालें अगर आपने इस सब्जी का मजा लेना है। तो ये हमारी तुरई की सब्जी बनके तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।